दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर बहुत ही जल्द बिग बिलियन डे सेल लाइव होने वाली है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 13 का इस बिग बिलियन डे सेल पर प्राइस क्या रहने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी आपको आईफोन 13 के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको जो आईफोन 13 का प्राइस डेट बताऊँगा, साथ ही साथ सेल्स डेट क्या रहने वाली है, इसके अलावा कार्ड डिस्काउंट आपको कितना देखने को मिल जाएगा और जिनके पास कार्ड नहीं भी है उनके लिए आईफोन 13 का प्राइस क्या रहने वाला है बिग बिलियन डे सेल पर, इन सभी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें यार, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितने भी अपडेट है तुरंत आपको मिल पाए। बाकी दोस्तों बात करें इस बार सेल्स डेट क्या रहने वाली है, तो उससे पहले हम जानेंगे कि कार्ड डिस्काउंट कितना होगा। तो देखिए, अगर आप अमेजोन पर बाय करना चाहते हो तो इस बार आपको जो कार्ड डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो SBI का रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता तो आप जान लीजिए कि SBI का कार्ड जरूर से रेडी रखें। अगर आपको अमेजोन पर बाय करना है तो कार्ड डिस्काउंट वहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, अप टू 10-40% तक आपको कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि लगभग 6,000-8,000 रुपये तक का डिस्काउंट तो देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है SBI का, जरूर से कार्ड रेडी रखें। बाकी अगर बात करें फ्लिपकार्ट पर, तो देखिए फ्लिपकार्ट पर जो HDFC, एक्सिस या फिर ICICI बैंक का कार्ड ऑफर देखने को मिलेगा, तो इन तीनों में से किसी का भी कार्ड जो आपको रेडी रख कर रखना है, तभी आपको जो एक्स्ट्रा 6,000-8,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर बात करें सेल्स डेट की, तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो निकल करके आ रहे हो 3-5 अक्टूबर के बीच हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। देखिए कन्फर्म तो नहीं बता सकता, बट इसी के आसपास ही हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 12 अक्टूबर तक हमें जो है दशहरा देखने को मिल जाएगा, तो मे हो सकता है कि बिग बिलियन डे समय जो है दशहरा के पहले देखने को मिल जाए, यानी कि लगभग 3-5 अक्टूबर के बीच में इस बार बिग बिलियन डे सेल देखने को मिल जाएगा। बाकी काफी सारे लोगों का जैसे ही वो ऑर्डर करते हैं कैंसिल हो जाता है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल पर, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस और प्राइम मेंबर ले करके रखना है। फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन पर हो, दोनों में प्लस और प्राइम मेंबर ले करके रखें। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि एक दिन पहले ही आपको प्राइस देखने को मिल जाएंगे कि कौन से स्मार्टफोन का प्राइस कितना रहने वाला है, और साथ ही जब भी आप एड टू कार्ड करोगे तो आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, बहुत ही कम चांस होंगे, क्योंकि देखिए आपके लिए जो है प्लेटफॉर्म के लिए प्लस मेंबर और प्राइम मेंबर वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनके जो कैंसिलेशन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं बाकी लोगों के कंपेरिजन में। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आईफोन बाय करना ही है इस फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल पर, तो प्लस या फिर प्राइम मेंबर लेकर के जरूर से रखें। बाकी बात करते हैं सेल्स प्राइस क्या होगी इस बार, तो इस बार देखिए जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर प्राइस रहने वाला है अलग अलग हमें देखने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है। तो आईफोन 13 की स्पेशली हम बात करें, तो पिछले बार अमेजोन पर लाइव हुआ था 39,999 रुपये, यानी कि लगभग 40,000 रुपये का इसका प्राइस था, कार्ड डिस्काउंट के साथ था, उसमें आपको 6,000 रुपये तक का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। तो इसी के हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए, तो लगभग हमें जो है 36,999 रुपये, यानी कि 37,000 रुपये के प्राइस के आसपास देखने को मिल सकता है आईफोन 13 का प्राइस, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो देखिए जितने ही सालों से हम लोग एक्सपेक्टेड प्राइस आपको बता रहे हैं, जितना बताते हैं उसके आसपास ही थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, मान के चलिए कि उसके आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो 37,000 रुपये का प्राइस होने वाला है इस बार आपको आईफोन 13 देखने को मिल जाएगा कार्ड डिस्काउंट के साथ, लगभग आपको 8,000 रुपये तक का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, और विदाउट कार्ड डिस्काउंट की बात करें तो वापस से आपको जो है 39,999 रुपये देखने को मिल सकता है। तो आपको जो है दोनों ही केस के लिए रेडी रखना है, अगर आपके पास कार्ड रेडी है तो आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो जरूर से कार्ड रेडी रखें। बाकी दोस्तों बात की जाए EMI का अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा, तो देखिए बिग बिलियन डे सेल पर आपको जो EMI के अवेलेबल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, और COD भी बहुत ही कम और चांसेस है कि COD आपको देखने को मिले, आपको प्रीपेड ही करना पड़ेगा कार्ड के साथ। बाकी दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आईफोन 13 से रिलेटेड या फिर जिस भी आईफोन से रिलेटेड, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और